हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीवन साथी में। अभी हमारे कंपनी के पास जो प्रोफाइल आया है वो आया है दिल्ली से। मैम का जो उम्र है वो क्या है, 40 इयर्स है और मैम की ये दूसरी शादी है। ठीक है, मैम का जो पहले वाला शादी है उसमें उनके जो पति थे उनका क्या हो गया है, मतलब एक्सीडेंट में उनका एक तरीके से देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया है। और मैम का जो पहले वाले पति है उनका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस था। दोनों पहले लव मैरिज किए थे जिसकी वजह से जो पहले का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है अब क्या है, मैम ही संभाल रही हैं पिछले 2-3 सालों से। ठीक है, मैम के जो पहले वाले पति का एक्सीडेंट है और जो उनका स्वर्गवास है, मैम से बात हो रहा था, मैम ने बताया था कि वो 2017 में ही हो गया है। मतलब समझ सकते हैं कि आज से 5-6 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया है। मैम अब जाके तैयार हुई है दूसरे शादी के लिए, उनकी एक बेटी भी है, इसीलिए उनका रिक्वायरमेंट एक ऐसे रिश्ते के लिए, एक ऐसे वर के लिए है जो कि क्या कर सके, बेटी को बाप का प्यार दे सके और उनका जो बिजनेस है उसको भी वो संभाल सके। आगे होने वाले भी जो बच्चे होंगे, मैम का कहना है कि वो उसको क्या है, माँ का भरपूर प्यार देंगे, कोई अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करेंगे। इसीलिए सामने वाले लड़के से भी यही अपेक्षा है कि वो क्या करे, उनके जो बातों है या उनके जो एक तरीके से बच्चे हैं उनका क्या करे, वो ख्याल रखे। पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है, बस ध्यान लड़के को ये रखना है कि वो उनके मतलब बेटी को और उनको क्या करे, अच्छे से वो संभाल सके। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो एक ऐसे उम्रदराज व्यक्ति की है जो कि क्या हो, जिसकी उम्र 40 से लेके 48 इयर्स तक का जो एज है वो मैम ने बोला चलेगा उनको। साथ ही साथ जो उनके अगर, हालांकि उनका भी दूसरा शादी है इसलिए मैम का ये भी कहना है कि अगर उनका जो होने वाला पति हो वो भी पहले से अगर शादीशुदा हो, डाइवोर्सी हो या उनकी भी पत्नी का स्वर्गवास हो गया हो या उनका एक दो बच्चा हो तो उनको चलेगा उस चीज को। बस ये है कि परिवार को जोड़ के रखना है और आगे चल के इस रिश्ते को अच्छे से निभाना है ताकि वो जीवन भर का साथ मिल सके। ये रिश्ता को अगर आप क्या कर सके अपना बनाना चाहते हैं तो हमारे कस्टमर केयर अधिकारी से बात करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि हम लोग क्या कर सके, इस रिश्ते को आपको प्रोवाइड करा सके। धन्यवाद।